So guys, this is the final day boarding our flight to London. वही पर हूँ मैं जहाँ पर मैं 7-8 साल पहले रहा था। अरे भाई होते कैसे थे जहाँ पर पहले रहा करते थे। अभी फिलहाल मैं हूँ रिभव के साथ, ये भी मेरा ओल्ड क्लासमेट था एंड ये अनुराग है। तो हाँ, ये पहले आनी बना, इनका प्लान बन नहीं पा रहा था यार। बाकी यार अभी मैं हूँ, आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पुराने फ्लैट से यहाँ से राइट ले आई थिंक। हाँ ये साम, हम पहले इधर भी रह के गए हैं ऊपर। वैसे देखो ये जो ये ऊपर ये फ्लोर है ना जहाँ पर एसी लगा है, ये हमारे पास होता था पहले ये रूम। बाकी यार मुझे यार क्या फ्लैशबैक आ रहे हैं मेरे दिमाग में भाई, क्या मजे किए इन इन गलियों में खेलने यार हम। और अपने स्कूल की यहाँ पर एक लड़की होती थी, वो अनीशा जहाँ यू कश का नाम है उसका, आई थिंक पता नहीं दूसरी क्लास में चली गई थी वो। 2 मिनट रुके ना, ये गाइस अपनी गाड़ी ये खड़ी। गाइस आपको ना मैं फ्लैट दिखाता हूँ यहाँ पर होते कैसे थे जहाँ पर हम पहले रहा करते थे। तो हाँ ये देखो, बीच में ये अंदर एक फ्लैट के और साइड में सभी रूम्स वगैरह यहाँ पर। और ये हाँ, ये साथ में ये वो है एक जॉइंट वो बना हुआ है बस, इन दोनों साइड्स पे है ये। बाकी हाँ यहाँ पर ऊपर ना पापा के फ्रेंड के घर पे चलते हैं 2 मिनट के लिए एंड फिर अपना पुराने वाला घर देखने चलते हैं। तो गाइस यार अभी पापा के फ्रेंड्स वगैरह से मिल रहे हैं एंड हाँ अब हमारे पास टाइम है घूमने का, तो मेरे दोस्त वगैरह भी आए हुए हैं तो उनके साथ ना एक बार फ्लैट में बच्चे भी तेरे में पढ़ते थे। हाँ दुकान वाले, हाँ ये सामने एक लड़की थी वो थी हमारे साथ, पता नहीं उसका क्या नाम था मैं भूल गया, अनीशा यूं कुछ नाम था उसकी। मम्मा मुझे नहीं माइंड आ गया, उसके मम्मा खड़े थे सामने। एंड गाइस ये देखो यार, ये मैंने मिस किया था भाई उस टाइम भाई, ये क्या फ्लैशबैक हो जाता मेरे दिमाग में ना सही में लिटरली यार, बहुत ज़्यादा मिस किया था भाई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं सही में दिल्ली में घूम रहा और वहीं पर हूँ मैं जहाँ पर मैं 7-8 साल पहले रहा था भाई साहब। इस दुकान में मैंने बहुत गेड़े लगाया भाई मैंने तो, भाई देख रहे हैं मैंने देख रहे हैं गाइस, ये तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पर वैसे। बाकी गाइस चलो, मैंने पहले कभी भी विजिट नहीं किया था जब तुम मेरे रहते थे ना। बाकी अभी पुराने वाले घर पे चलते हैं, देखते हैं उधर के भी सीन क्या चल रहे हैं। अभी हम भैया के बहुत सारे दोस्तों को मिले हैं। गाइस यार आधे दोस्त भैया के ये रहे, हेलो हेलो कर रहे हैं। तो गाइस यार एक दोस्त भैया के ये रहे हैं और गाइस ये भैया के जो स्कूल वाले दोस्त हैं वो आ रहे हैं। तो गाइस अभी सभी इकट्ठे हुए हैं और ये वो शॉप है जहाँ से हम छोटे होते थे गाइस, हम सभी यहीं पे आते थे और वहाँ पे अंकल, ये अंकल से ये अंकल को हम हर बार मिलते थे। और गाइस अभी ये देखो अभी यहाँ पे सभी इंजॉय कर रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं। तो गाइस यार अभी हम अपने घर पे भी चलेंगे, हम आपको अपना घर भी दिखाएंगे। अभी हम वहाँ पे हम जहाँ पे रहते थे वहाँ पे हमारा जो फ्लैट था वो भी दिखाएंगे, जहाँ पे हमारी कार्स वगैरह खड़ती थी, पूरा एरिया आपको चेकअप कराएंगे, बस वीडियो में बने रहना। तो गाइस यार अभी फिलहाल हम सभी ना नेबर्स वगैरह से मिले एंड मैं उस दुकान पे यार इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए थे ना क्योंकि सभी जानने वाले थे एंड यार इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया ना इधर, ये देखो इतनी एक्सटेंडेड, मतलब यही हो गया, एक तो इतना ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया, मतलब बहुत मॉडिफाई कर रहे हैं यार घर को लोग, बहुत चेंज आ गया सही में यार, बहुत ज़्यादा चेंज आ गया सोसाइटी में। ये रोड पूरी टूटी हुई होती थी उस टाइम पर। बाकी गाइस अनुराग और मैं भी साथ में जा रहे हैं हमारे पुराने वाले घर पर एंड रिभव लेके आ रहे अपनी कार। बाकी यार बहुत ज़्यादा चेंज आ गया यार मेरे ना, यहाँ पर इधर चलिए इधर है अपना घर भाई, ये देख लो गाइस, ये एक ये पाथ आ गया एंड ये इस साइड में पार्क है एंड जहाँ पर वो बाइक खड़ी है, आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देख लो जहाँ पर ये बाइक खड़ी है ना, तो हाँ वहाँ पर अपना घर है एंड चेक करते हैं यार क्या सीन बन रहे हैं भाई इधर। ये देखो गाइस इधर ना एक बीच में स्पेस होती थी, बाकी इसकी जो है यार इतना बड़ा फ्लैट सा बन गया यार ये, इधर ये पूरा खाली था ये अनुराग, ये वे था इधर, ये देखिए ये दो फ्लैट थे, एक वो वाला और एक ये वाला भाई साहब, अरे वो ये आ गया। बाकी गाइस एक बार मिलते हैं यार अगर यहाँ पर होगा। अरे भाई यार ब्रो ये अबे ये अभी भी मिट्टी यहीं पर पड़ी है, ये ना कंस्ट्रक्शन के टाइम यहाँ पर पड़ी रहती थी, अभी भी यहीं पर पड़ी है, ये झूले वगैरह नए लग गए। अरे भाई साहब ये देखो गाइस अपना ये वाला घर था यार, ये वाला भाई साहब, हम किसी टाइम पे यार इस घर में रहे हैं मुझे याद है। एंड भाई यार ये ऊपर ही अलग ही बन गया भाई, बहुत ज्यादा फर्क आ गया गाइस, बहुत ज्यादा फर्क आ गया ब्रो। ये फ्रेम चेक करो गाइस, ये फ्रेम चेक करो एक बार,
बहुत मिस किया यार इस चीज को ना बहुत ज्यादा। बिकॉज जब मैं मतलब दिल्ली से पंजाब ट्रांसफर हुआ ना तो मेरा तो मन लगा ही नहीं था मतलब दो तीन महीने तो, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से मेरा चाइल्डहुड यहाँ पर मतलब यहाँ पर यहीं पर गुजरा था। बाकी चलो कोई बात नहीं गाइस, ये इस फ्रेम को भी जल्दी है ना सुन, ये आएगा फ्रेम, कोई बात नहीं गाइस। एंड बाकी हाँ भाई तुम दोनों के क्या हाल है भाई? अब तुम देख रहे थे ना नेबर्स की एक्साइटमेंट कितनी हो रही थी, वो कह रहे थे ना इतने सालों बाद मिल रहे हो। बाकी गाइस एक बार थोड़ा बहुत यहीं पर घूमते हैं एंड आपको फिर आगे दिखाते हैं यार क्या सीन बनते हैं। तो गाइस हाँ, दिस इज द फाइनल डे बोर्डिंग आवर फ्लाइट टू लंदन एंड वैंकूवर गाइस। बाकी गाइस अपना लगेज वगैरह सब कुछ जानना है यार, वो कार में पड़ा हुआ था, बस 7 kg वाले जो दो बैग्स हैं वो मेरे पास हैं अभी, तो हाँ इनको लोड करते हैं एंड फिर निकलते हैं यार एयरपोर्ट की तरफ। I know this pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness, but I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave the knife right in my back. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling.